नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मनरेगा से रिलेटेड इशू के बारे में। ये अभी इस समय न्यूज़ में है, मनरेगा क्यों है ये आपको मैं बताऊंगा। आप पूरा वीडियो एंड तक देखें आपको, जिससे पूरा मैटर क्लियर हो जाए कि मनरेगा से रिलेटेड क्या इश्यूज़ बना हुआ है। मनरेगा के भुगतान में जाति विभाजन की बात की गई है केंद्र सरकार द्वारा, और इसी से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। मनरेगा क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। देखिए, मनरेगा क्यों है समाचार में इस समय। केंद्र सरकार ने ये प्रावधान रखा है संसद में कि यदि हम SC ST जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो जनजाति समूह हैं, मतलब कि जनजाति और अनुसूचित जनजाति जो हैं, उनके लिए एक अलग से श्रेणी बनाई जाए उनके वेतन के लिए, मतलब उनका एक अलग से फंडिंग किया जाए उनके सैलरी के बेसिस पर, उनका एक अलग से जो है अमाउंट फिक्स किया जाए कि ये पर्टिकुलर अमाउंट बैकवर्ड क्लासेस को ही दिया जाएगा वेतन के रूप में, ठीक है। तो हालांकि इस तरह की प्रावधान कभी जो है मनरेगा के अंदर थे नहीं, ना इस तरह के प्रावधानों को कभी इसके अंदर लाया गया था। ये 2021-22 में ही भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा ये प्रावधान लाए गए हैं, और भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह कहा कि अनुसूचित जाति के लिए अलग से बजट तय करने का हमें प्रावधान लाना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि क्यों ये समाचार में है। अब बात करें इसको लागू करने का कारण क्या है। तो केंद्र सरकार का कहना यह है कि यदि हम अनुसूचित जनजाति समुदाय और जो अनुसूचित जाति हैं, तो हम चाहते हैं कि हमने जितना इनके लिए काम किया है वह इनको पता चलना चाहिए। मतलब ये चाहते हैं कि उसे उजागर करना चाहते हैं ये कि हमने मनरेगा के तहत SC ST के लिए भी कुछ काम किया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो है प्रोपोगंडा ये बन जाएगा, और यही चाहती भी है सरकार, इसीलिए इसको लाया जा रहा है, वरना कोई इसमें जरूरत है नहीं इस प्रकार की। यह चिंता का विषय क्यों है? तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देखिए, आप जो वेतन भुगतान में जो चेंजेस आप ला रहे हैं, तो आपके हिसाब से यदि देखा जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से तो वह सही है, लेकिन यदि आप देखेंगे सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से तो वह कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं विशेषक? तो एक्सपर्ट्स ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो आपका फंडिंग है उसमें कमी हो सकती है यदि आप इस तरीके का वर्गीकरण कर देंगे मनरेगा के तहत। देखिए, वही बात यहाँ की जा रही है कि योजना के वित्त पोषण में कमी आ सकती है। क्या सकती है? वित्त पोषण मतलब फंडिंग में जो है कमी आ सकती है, और यह जो वेतन भुगतान की प्रक्रिया है, ठीक है, जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी प्रोसेस को भी काफी कॉम्प्लेक्स बना देगा, काफी जटिल बना देगा ये प्रक्रिया। तो एक्सपर्ट्स कहना चाहते हैं कि ये जो आपका प्रावधान है या जो आपका उद्देश्य है, इससे कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होता है, या कोई भी उद्देश्य इससे पूरा नहीं होता है। मनरेगा के बारे में थोड़ा समझते हैं कि मनरेगा क्या है। देखिए, यह भारत सरकार की एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, मतलब भारत सरकार गरीबी हटाने के लिए इस कार्यक्रम को लेकर आई थी। 2005 में इसको लागू किया गया था, और इस मनरेगा योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था रोजगार की गारंटी देना। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने की बात की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, और जो आवेदन करता है यदि उसको 15 दिन में रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है केंद्र सरकार द्वारा। यह रोजगार कानूनी अधिकार होता है मनरेगा के तहत। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है जो मैंने आपको बताई हैं। और इसमें जो 15 दिन के बाद यदि रोजगार नहीं मिलता है, तो इसमें ग्रामीण जो गांव क्षेत्र है उसमें, वहां तो प्रधान होते हैं, तो उन प्रधानों को बेरोजगारी भत्ता के लिए उनका जो है नामांकन करना पड़ता है फिर, यदि वो 15 दिनों में उनको रोजगार नहीं दे पाते हैं तो। अब बात करें कि मनरेगा की फंडिंग किस प्रकार होती है। देखिए, मनरेगा 100% फंडिंग करता है अकुशल शारीरिक श्रम के लिए, ठीक है, वहीं 75% फंडिंग करता है यदि अर्धकुशल व कुशल श्रम के लिए। 75% फंडिंग की जाती है श्रम करने हेतु सामग्री के लिए, यदि कोई सामग्री लेना है श्रम करने के लिए तो वह उसके लिए भी केंद्र सरकार 75% फंडिंग करती है, अर्धकुशल के लिए भी 75% फंडिंग, और अकुशल शारीरिक श्रम के लिए 100% फंडिंग करती है। वहीं बात की जाए कि प्रशासनिक लागत के लिए केंद्र सरकार सिर्फ 6% वहन करती है, बाकी
राज्य सरकार देखती है अपना। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट 73,000 करोड़ रुपए निश्चित किए गए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। मनरेगा का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और कोई इशू जो आपको परेशान कर रहा हो इस सेशन से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, मनरेगा क्या है। बेसिक एम यहाँ पर यही था कि सरकार चाहती है, वो बताना चाहती है जनता को कि उसने बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या काम किया है। तो हर जगह से उसको उजागर करना चाहती है कि हम जो है सभी वर्गों के लिए चिंतित हैं और सभी वर्गों का विकास कर रहे हैं। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहती है इन प्रावधानों को लेकर। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा सेशन समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। सो थैंक यू गाइज़।